फ्रेंड्स, भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। ये बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े हर स्टेक होल्डर को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। विश्व आज अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ऐसे में इस बजट के माध्यम से भारत ने हर ग्रीन इन्वेस्टर को अपने यहां निवेश का बेहतरीन अवसर दिया है। ये इस सेक्टर में आ रहे स्टार्टअप के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है। साथियों, 2014 के बाद से ही भारत मेजर इकोनॉमीज में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेज रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है। हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में 40% नॉन फॉसिल फ्यूल के योगदान के लक्ष्य को भारत ने 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 5 महीना पहले ही हासिल कर लिया। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 2030 से कम करके 2025-26 तक पूरा करने का निर्धारित किया। वर्ष 2023 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हासिल करके रहेगा। हमारी सरकार जिस तरह बायोफ्यूल्स पर जोर दे रही है वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अभी हाल ही में मैंने E20 फ्यूल को भी लॉन्च किया है। हमारे देश में एग्री वेस्ट की कमी नहीं है। ऐसे में देश के कोने कोने में इथेनॉल प्लांट्स की स्थापना के मौके को इन्वेस्टर्स को छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में सोलर, विंड, बायोगैस का जो पोटेंशियल है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी गोल्ड माइन या ऑयल फील्ड से कम नहीं है। फ्रेंड्स, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत हर साल 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए इस मिशन में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के साथ ही आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल सेल्स के निर्माण में भी इन्वेस्टमेंट की अनेक अपॉर्चुनिटीज आ रही है। फ्रेंड्स, भारत में गोबर से 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस
और एग्री रेसिड्यू से 1.5 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन का पोटेंशियल है। इससे हमारे देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 8% तक का योगदान हो सकता है। इन्हीं संभावनाओं की वजह से आज गोवर्धन योजना भारत की बायोफ्यूअल स्ट्रेटेजी का एक अहम कंपोनेंट है। इस बजट में सरकार ने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये पुराने जमाने के गोबर गैस प्लांट की तरह नहीं होते। इन आधुनिक प्लांट्स पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए, हमारे एमएसएमईज के लिए एक नया मार्केट बना रहा है। गांवों से निकलने वाले एग्री वेस्ट के साथ ही शहरों के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से भी सीबीजी का प्रोडक्शन उनके लिए बेहतरीन मौका है। प्राइवेट सेक्टर को उत्साहित करने के लिए सरकार टैक्स में छूट के साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही है। साथियों, भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब करीब 3 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इनमें पुलिस जिन व्हीकल्स का उपयोग करती है वो गाड़ियां हैं, खास करके हमारे हॉस्पिटल्स में जो एम्बुलेंस हैं, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो बसेस हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। ये रीयूज, रीसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई ताकत देगा। मैं भारत के नौजवानों को, हमारे स्टार्टअप्स को सर्कुलर इकोनॉमी के विभिन्न माध्यमों से जुड़ने का भी आग्रह करूंगा। फ्रेंड्स, भारत को अगले 6-7 साल में अपनी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाकर 125 गीगावाट आवर्स करना है। ये लक्ष्य जितना बड़ा है उतना ही आपके लिए इसमें नई संभावनाएं बन रही है। इसे हासिल करने के लिए लाखों करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। बैटरी डेवलपर्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इस बजट में वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की भी घोषणा की है। फ्रेंड, भारत में वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें आने वाले दिनों में बहुत तेजी आने वाली है। आज भारत अपने कोस्टल रूट के जरिए सिर्फ 5% कार्गो का ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह इनलैंड वाटर बेस्ड के जरिए सिर्फ 2% कार्गो भारत में ट्रांसपोर्ट होता है। जिस तरह भारत में वाटरवेज का निर्माण हो रहा है, उसमें इस क्षेत्र में आप सभी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। साथियों, भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है।
ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। ये बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है। बजट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए हमें तेजी से काम करना है, मिलकर के काम करना है। आप सभी आज के इस वेबिनार में बहुत गंभीरता से चर्चाएं करेंगे। ये बजट पर की चर्चा, बजट में क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, इसके संदर्भ में नहीं है। अब बजट आ चुका है, संसद में ऑलरेडी पेश हो चुका है। अब हम सब ने मिलकर के, सरकार ने और देशवासियों ने मिलकर के इस बजट की एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे लागू करें, नए नए इनोवेशंस कैसे करें, देश में ग्रीन ग्रोथ को हम कैसे सुनिश्चित करें, आपकी टीम इसके लिए आगे आए, सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मैं फिर एक बार इस वेबिनार के लिए समय निकालने के लिए आप सभी निवेशकों का, स्टार्टअप वर्ल्ड के जवानों का, एग्रीकल्चर फील्ड के लोगों का, एक्सपर्ट्स का, एकेडमिशियंस का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस वेबिनार की सफलता के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।